ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग के साथ आए हैं और ये होगी जुलाई मंथ, जो कि अब बहुत ही नज़दीक है। सिर्फ 5 दिन रह गए हैं और समझ लीजिए राउंड द कॉर्नर ही है और आने वाला है। और पिछली बार मैं जून की रीडिंग डालने में थोड़ा डीले हो गई थी, बट दिस टाइम आई वॉन्ट टू बी थोड़ा सा सतर्क होकर मैंने पहले रीडिंग बनाने का सोचा है। और मैं चाहती हूँ कि चीज़ें आपको पहले से ही पता हो, पहले से आप रेडी हो, तभी तो आप उनके ऊपर काम कर पाएंगे, उन चीज़ों को समझ पाएंगे। सो जुलाई मंथ की वो कौन सी दो सबसे बड़ी भविष्यवाणी हैं, घटनाएं हैं, जो चीज़ें फोकास्ट करने जा रही हूँ इस रीडिंग में, जो कार्ड्स बताएंगे आपके लिए, तो उन्हें देखना आपके लिए अभी बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। काफ़ी लोग अभी भी बोलते हैं, खैर मैं किसी को रोकना नहीं चाहती, सब फ्री विल से जो चाहते हैं वो बोल सकते हैं। कुछ लोग अभी भी कहते हैं हमें तो ये रीडिंग गलत लगती है, आपने तो हमारी गलत रीडिंग की है। फ्रेंड्स, मैं अभी भी बार बार आपको एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करके यही बोलूँगी, मैं किसी की गलत रीडिंग नहीं बनाती, मैं जनरल रीडिंग बना रही हूँ। और मेरी तरह और कितने टैरो रीडर्स हैं आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, जिनके मेरे ख्याल से हज़ारों, मेरे तो हज़ारों में अभी वो भी आप लोगों के सपोर्ट से हुए हैं, उनके तो लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं और वो कितने सालों से दे आर डूइंग रीडिंग। मतलब आप सबका, इवन मेरा खुद का उन पर ट्रस्ट है, मैं उनको देख देख के सीखी हूँ, उन्हीं में से कोई एक मेरे को सिखाया भी है, मैंने उन्हीं में से किसी एक से सीखा है और आज मैं अगर कुछ हूँ तो उन्हीं लोगों की वजह से हूँ। तो देखिए, जो इतने पुराने टैरो रीडर्स हैं वो ऐसे ही मार्केट में नहीं आए हैं, और इनफैक्ट उन लोगों को तो पर्सनल रीडिंग का इतना एक्सपीरियंस है, उनकी अपनी वेबसाइट्स हैं। अब आप, मैं भी कभी उनकी वेबसाइट पे, उनके सॉरी यूट्यूब चैनल पे जाकर जब अपने नाम से अपने साइन से रीडिंग देखती हूँ तो मेरी भी नहीं मैच होती, तो मुझे भी ऐसा लगता है अरे मैम की तो मेरे को मैच नहीं हुई। तो वो जनरल रीडिंग है, इतना लंबा बोलने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। अपने सन एंड मून साइन, अपने नाम राशि से, जिस चीज़ से आपको मैच करे उससे आप देखें और लाइट वे में इन रीडिंग्स को देखें, ज़्यादा स्ट्रेस लेके प्लीज़ आप मत देखा करें, ठीक है। अब हम जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा मैसेज था जो थोड़ा सा लंबा हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ऑल राइट, सो माय डियर कैंसर यानी कि कर्क राशि, सो हम देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या दिखा रहा है डिवाइन आपके लिए आने वाले जुलाई मंथ में, क्या होता नज़र आ रहा है, ठीक है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आपके लिए फ्रेंड्स। देखते हैं जुलाई मंथ आपके लिए क्या सरप्राइजेस या बदलाव लेके आ रहा है। सबसे पहला कार्ड देखते हैं जो कि है अंडरस्टैंडिंग का कार्ड। सो फ्रेंड, अगर आपको किसी एक सिचुएशन में बहुत टाइम से ऐसा लग रहा है कि आप फंस गए हैं, उस सिचुएशन में बंद गए हैं, आप बाहर नहीं निकल पा रहे, आपको लग रहा था कि मेरे को क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं अंदर बंद हूँ, सो आपको वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी मिलने वाली है, आप चीज़ों में बहुत क्लियर होने वाले हैं। अब हम क्लैरिफायर से देखते हैं टू ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, क्लैरिफायर भी यही बोलना चाहते हैं कि जहाँ आप बहुत टाइम से किसी रिलेशनशिप में या किसी काम में या अपने बिजनेस में, ऑफिस में, अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, जहाँ पर आप बहुत ऐसा फील करते थे, जहाँ पर आपने शायद एफर्ट्स डालने भी बंद कर दिए थे, वहाँ पर जुलाई मंथ में एक न्यू बिगिनिंग होती नज़र आ रही है। आपको चीज़ें ऐसे समझ आएंगी जहाँ पर अभी आपको बिल्कुल लग नहीं रहा कि क्या होगा, कैसे स्टेबिलिटी आएगी, क्या होने वाला है, वहाँ पर आप एकदम, कहते हैं ना, जैसे आपको एकदम हर चीज़ जैसे पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर हो जाएगी, हर एक चीज़ आपके अकॉर्डिंग चलने वाली है, जहाँ आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सो वेरी वेरी गुड थिंग इज़ कमिंग योर वे कैंसर, जो कि मुझे आपकी रीडिंग में अपकमिंग घटना जो कि होने वाली है जुलाई मंथ में आपके लिए नज़र आ रही है। नेक्स्ट वी हैव इज द स्ट्रेस कार्ड, जो कि है नंबर 7 का डिटैचमेंट। कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखेंगे कि ये स्ट्रेस आपके जुलाई मंथ से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि मैं अभी नहीं बता सकती कि यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू स्ट्रेस और स्ट्रेस इज़ कमिंग योर वे। सो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है,
क्लैरिफाई करेंगे। द चैरियट एंड द सन, ब्यूटिफुल रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेटेड फील कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस में या अपने घर परिवार में, लव रिलेशनशिप में या कहीं पे, जिसकी वजह से आप अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि व्हेन दिस इज़ गोइंग टू एंड और ये कैसे ख़त्म होगा, आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ें एकदम कहते हैं ना जैसे शीशे की तरह साफ होंगी, और शायद तभी आपका फर्स्ट कार्ड भी आया था अंडरस्टैंडिंग का, जहाँ पर आप ऑलरेडी एक केज में थे, केज खुला था, बाहर खड़े हैं केज के, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप उससे एकदम बाहर कैसे निकलें। और ये सिचुएशन भी ऐसी है कि आपको कोई मैन्युपुलेट कर रहा था, आपको कोई धोखा दे रहा था, या आप उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ एग्जैक्टली हो क्यों रहा है। वहीं आपको बहुत साफ साफ चीज़ें नज़र आने लगेंगी, आप अपना रास्ता बनाते नज़र आएंगे कि ओके, मुझे ये प्रॉब्लम इस वजह से आई, मुझे ये स्ट्रेस इस वजह से मिला, और अब मुझे क्लैरिटी मिल गई है, अब मुझे इस रास्ते पे चलना है और मुझे अपनी मंजिल को कैसे पाना है, ये सारा आपको बहुत साफ साफ नज़र आने वाला है। जुलाई मंथ आपके उस स्ट्रेस का एंड करने वाला है, आपको उस रास्ते से निकाल के हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पैरिटी के रास्ते पे लेके जाने वाला है। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है ये कैंसर आपके लिए जो मुझे दिख रहा है। और फ्रेंड्स, अगर आपको अभी तक मेरी रीडिंग अच्छी लगी है और आपको क्लैरिफाई हुई हैं चीज़ें, आपको पता चला है कि जुलाई मंथ में वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी संभावना है या जो हो सकती हैं आपके साथ, तो प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर लाइक करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। अब हम देखेंगे कि क्या है आपके लिए डिवाइन गाइडेंस। डिवाइन आपको क्या रास्ता दिखा रहे हैं, क्या आपको बताना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। सो सबसे पहला है, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। यानी कि डिवाइन आपके साथ है। अगर आपको ये लग रहा है ना कि डिवाइन आपके साथ नहीं है और आप ऐसे ही बस चलते जा रहे हैं अपनी लाइफ में, तो ऐसा नहीं है। डिवाइन अब आपके साथ है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है, वो आपको ये कह रहा है कि नाउ, आपको ये नंबर 6 का कार्ड है, तो हर चीज़ को बहुत लविंगली और हैप्पीली आपको आगे लेना है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज़ सी द डिवाइन इन एवरीवन। देखिए, डिवाइन साइड का कार्ड है, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपके मन से कंपैशन निकल जाए क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और आपकी कहीं ना कहीं अंदर तक आप हिल जाए, लेकिन डिवाइन इज़ टेलिंग यू कि ठीक है, आपने अपनी डिग्निटी के साथ चीज़ों को हैंडल किया, उन्होंने आपके साथ गलत भी किया, बट स्टिल आपको एक डिवाइन साइट रखनी है, आपको लोगों के साथ गलत नहीं करना है, आपको विजडम के ही रास्ते पर चलना है, आपका रास्ता सही तरफ ही होना चाहिए, चाहे किसी ने आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, ठीक है। सो ये डिवाइन आपको कहना चाहते हैं फ्रेंड्स। सो माई डियर कैंसर, ये थी आपकी रीडिंग जुलाई मंथ की। आई होप फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आई हो, अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर ऊपर है, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे अगली रीडिंग में मिलूंगी, और कॉमेंट ज़रूर करके बताएंगे कैसी लगी आपको ये रीडिंग। सो बाय फॉर नाउ फ्रेंड्स।